तो हेलो एवरीवन, आलिया बाजी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कि मेरे बैग में क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या है ये सवाल कोई नहीं पूछता मुझसे, अपनी मर्जी से बता रही हूँ। बट हाँ, रास्ते में अगर मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिल जाती है ना, तो वो मुझे कहती है कुली, मतलब वो कहती है बहन इतने बड़े बस्ते में, इतना भारी बस्ते में क्या ले जाती है, आपको विश्वास है? एक मिनट मुझे, मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा बस्ता, यही मेरा करता धरता सब है। तो इसे देखकर मेरी फ्रेंड बोलती है कूली मुझे कि बहन इतने भारी बस्ते में, ओ सॉरी इसकी चैन खुल गई, इतने भारी बस्ते में तेरे क्या होता है, क्या ले जाती है, क्या करती है, काम पे जाती है, क्या करती है, या कुछ और ही? समझ रहे हो, समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। तो वही चीज मैं आज बताने जा रही हूँ कि मेरे बस्ते में आज क्या है, आज नहीं वैसे होता क्या है मेरे बस्ते में। तो ये मेरा बस्ता है जो मैं सरोजनी मार्केट से लाई थी, किसी को मत बताना। तो ये मेरा बस्ता है, इसमें आज हम देखेंगे कि मेरे बैग में क्या है, क्या है। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो, अब फ्रेंडों को लगता है कि मैं इसमें लाश ले जाती हूँ। तो पहला चैन खोलते हैं, पहला निकलता है कैंडल्स। यार कभी कभी कैंडल क्यों रखा है मैंने अपने बैग में? ये मैंने शायद किसी के बर्थडे के लिए रखा है, कुछ किसी चीज के लिए ना, छोड़ो। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। और दूसरा होता है मेरा फेवरेट चीज, इत्र। इसे कहते हैं इत्र, और जब आप सर्दी आ गई है, नहाने नहीं जाना पड़ता है, तो ये लगा के खाए, ये आपका बहुत काम देगा। तालियां। इसमें तो इतना ही सामान था, अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉकेट का। नेक्स्ट पॉकेट में निकला है एक खाली लिफाफा। और क्या है, और पेन। मैं इतना ढूंढती हूँ कि मेरे पास पेन नहीं है, पेन नहीं है, और देखो मेरे पास पेन है, और ये चैन है, और मेरे बैग में है कुछ पैसे। ऐसे ही पैसा पैसा ही पैसा हो गया। ये मेरे पास इतने, और ये भी है, ये मेरी अंगूठी, और ये मेरे पास कुल मिला के 160 रुपए है। कैश रखना पड़ता है क्योंकि मुझे गाड़ी से इधर उधर जाना पड़ता, पर ये मेरे पैसे मेरे साथ नहीं देते, कभी भी खो जाते हैं। तो इस चैन में बस इतना था। नेक्स्ट में इसमें ये है मेरी किट। इस किट के अंदर रखा हुआ है मेरा पैन, चश्मा, क्योंकि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, तो ये मेरा चश्मा है। और इसमें है पैन, स्केल, फुट्टा, क्योंकि मैं ट्यूशन जाती, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। इंग्लिश से याद आया मेरे पास है एक किताब, किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। भाई इसे पढ़ने के बाद मेरे दिल में फीलिंग हुई थी कि मैं अंबानी बन जाऊंगी, मैं अंबानी जैसा ही फील कर रही थी इसको लेकर। पर मैंने मात्र 3 पेज पढ़े, क्योंकि इसमें इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश लिखी है, भाई मेरे बस की नहीं है पढ़ना। शाबाश बेटा। मेरी फेवरेट बुक जो मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ जब मैं खाली रहती हूँ, अकबर बीरबल की कहानी। ये मेरी फेवरेट बुक है, अकबर बीरबल की कहानी। और देखो मैंने इतने पेजेस पढ़ लिए और बस इतने बचे, मैं इसको दिन रात पढ़ती रहती हूँ, ये मेरी फेवरेट बुक है। क्या बोल रहे हो कि ये हिंदी में, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और मेरे बैग में है डायरी, इसमें मेरे पूरे महीने का कितने मैं क्या खर्च करती हूँ, ये देखो मेरी रेंट, ये मैंने बनाया था, पता नहीं कौन है, वही मैंने बनाया था। और खाली नहीं यार, मैंने भर रखा है, ये नहीं, मेरे सारे हिसाब किताब सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कि जो भी मैं खर्च करती हूँ, जो भी है रखना चाहिए, हिसाब है इसमें मेरे। और ये है मेरा चश्मा। चश्मा क्या कर रहा है भाई, आई फ्लू चल रहा था तब के टाइम का ही चश्मा। बैग में पड़ा ही रहता है। और मेरा मॉइस्चराइजर, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मॉइस्चराइजर नहीं, मैं गरीब हूँ, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मॉइस्चराइजर दिया था, तो ये मैं मॉइस्चराइजर हाथ पैरों में लगाती रहती हूँ। और ये है मेरा मेकअप किट, जिसे कहते हैं मेकअप का सामान रखना। अच्छा। तो ये है मेरा मेकअप किट, जिसमें मेरी लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक सब रखी रहती है, तो ये मेरा मेकअप का सामान है। ये है मेरा चार्जर, और ये है मेरी अम्मी के जायदाद का वसीयत के काम। जोर जोर से बोल के लोगों का सामान है मेरे बड़े वाले चैन में, इसमें रहते हैं मेरी यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म हम हर थर्सडे वाले की तरफ गल ला के वॉश करना होता है, तो ये मैं यूनिफॉर्म लेकर आई हूँ वॉश करने के लिए। ये है मेरी ट्यूशन की कॉपी, और ये है, ये कुछ नहीं है। तो ये है मेरा पासबुक, और सबसे फेवरेट, सबसे क्यूट चीज़ जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो है मेरा चामू। तो ये मेरा चौमू, मेरा ब्रश पेन, मेरा कुकी पाई, मेरा सब कुछ ये मेरे बैग में हमेशा रहता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे से बात करता है। और मेरे बैग में होता है झोला,
मतलब ये रुमाल है, कभी भी काम आ जाता है पोछने पाछने के लिए, और ये है झोला। झोला मैं किस लिए रखती हूँ, झोला मैं रखती हूँ कि कभी कभी मैं ना रास्ते में आते हुए फल फ्रूट्स वगैरह खरीद लेती हूँ, या मेरी अम्मी कॉल करके कहती है कि ये ले आ वो ले आ, तो मेरे बैग में हमेशा झोला जरूर रहता है। तो ये मेरा झोला है, और ये अम्मी का बटुआ है जो मैंने चुराया था, तो कोई मत मेरी अम्मी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। तो ये खत्म हो गया। अब ये है मेरा पीछे वाला चैन। पीछे वाले चैन में मोस्टली मैं अपना फोन रखती हूँ, जब भी मैं बस वगैरह में जाती हूँ तो मैं पीछे कहना क्या लगता है अभी ये खत्म हो गया, तो ये अभी खत्म हुआ, क्योंकि मैं कोई सा चीज नहीं छोड़ती, तो मैं यहाँ पे भी रखती हूँ, यहाँ पे भी रखती हूँ, हर जगह रखती है पानी वाली किट में। तो ये है सैनिटाइजर, तो कभी मैं रोड में खाने पानी बैठ जाती हूँ तो फिर मैं इससे सैनिटाइजर करती हूँ। और ये है मेरी लिपस्टिक, मेरी फेवरेट लिपस्टिक जो मैंने अभी भी लगा रखी है, तो ये मेरी न्यू लिपस्टिक है। मतलब है मेरे पास किट, मेकअप रखने के लिए मेरे पास किट है, फिर भी मैं इधर से उधर रखती हूँ। तो ये मेरी किट है, देखो मास्क देख सकते हो, मेरे कागज वगैरह पड़े रहते हैं, ये भी कागज है, और इसमें है देखो मास्क, इतने मास्क है मेरे पास। और ये है मेरी नेम पेंट, कभी भी ना मैं अगर पार्क वगैरह चली जाती हूँ तो बैठ के नेम पेंट लगाती हूँ, इसलिए मेरे बैग में नेम पेंट भी पड़े रहते हैं। और क्या है, और ये है टिक टैक, जब भी मैं कुछ खा मतलब ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं खा लेती हूँ। मम्मी मैं बैग ला रही हूँ, तो गाइज मेरे को आज अपना बैग धोना था इसलिए मैंने कर मैंने कर दिया। व्हाट इज माय बैग, यही सब मेरे बैग में सामान होता है, मतलब यही चीज़ थे मेरे बैग में। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू।